अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे और शाद होंगे, आबाद होंगे और मज़े की रेसिपीज़ बना रहे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलें, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी मिल्क टॉफ़ी बोलें इसको, कैरामिल टॉफ़ी बोलें इसको, कंडेंस मिल्क टॉफ़ी बोलें आप इसको एक्लेयर्स बोलें, आप इसको जो मर्ज़ी बोलें बोल सकते हैं, क्योंकि आप जो है अपनी मर्ज़ी आपने करनी है, ठीक है। और जो है आज हम लोग ये ज़बरदस्त सा बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी है, बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और जो है पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ इसकी रेसिपी। असल में बना कुछ और रही थी और बन कुछ और गया, तो चलें इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह बनाते हैं। ये मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया था, थोड़ा सा ऑयल लिया था, आप चाहें तो ज़्यादा तो नहीं लेना, इतना ही लेना है। 1.5 कप कंडेंस मिल्क लिया, कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आपको मिल जाएगी, तो ब्राय मेहरबानी वो ले लीजिएगा। 2 तरह की रेसिपीज़ हैं, दोनों में से कोई भी जो आपकी मर्ज़ी की आप वो ले लें। उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया 1 कप मिल्क पाउडर और इसको मैंने मिक्स कर लिया। अच्छा, मैंने आपको दिखाया नहीं है डालते हुए, वो इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसको मिक्स करना बड़ी ही जो है थोड़ा सा जटन का काम होता है, तो इसलिए मैंने कहा मैं मिक्स कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि टाइम लग जाना था, फिर आपका टाइम भी वेस्ट होना था, मैंने कहा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए फिर। अच्छा, इसको हम लोग जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और बड़े ही जो है ना, यानी कि हम लोग कैरामलाइज करेंगे इसको, बहुत ही यानी कि स्लोली कुक होने देंगे। और इसके अंदर 2 इलायची के दाने डाल लें या नहीं डालने तो ना डालने, उसके बगैर भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर बस। और इसको पकाते रहेंगे इसका कलर खुद ही चेंज होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन थोड़ा सा थिक हो चुका है क्योंकि कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क को वैसे भी थिक होता है, थोड़ा सा पकता जाए अंदर मिल्क पाउडर भी ऐड किया, मिल्क पाउडर जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और साथ साथ जो है यानी कि जिस तरह हम लोग बनाते हैं मिल्क पाउडर की बर्फ़ी और भी बहुत कुछ बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसको और गाढ़ा करते जाएंगे, इसको पकाते रहेंगे, आपने चमचा नहीं छोड़ना, आपने हिलाते रहना, वरना क्या होगा ये नीचे लग जाएगा और इसका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। आप देख सकते हैं कि मैं अभी आपके सामने चमचा हिला रही हूँ लेकिन फिर भी इसका कलर देखें कितना नीचे से डार्क डार्क होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसलिए आपने इसके अंदर चमचा हिलाते ही रहना है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और फिर इसके अंदर हम लोग डालेंगे मिल्क डाल लीजिएगा, होल मिल्क 3-4 टेबल स्पून या 1/2 कप और 3-4 टेबल स्पून ही 1/4 कप डालिएगा। और साथ ही साथ जो है या आप चार डालने वाटर डालने वो भी चलेगा, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर डाला है वैसे भी बहुत ज़्यादा मिल्की है, एक्स्ट्रा मिल्की हो जाएगा मिल्क डालेंगे तो, लेकिन मैंने वाटर डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जो कुछ डालना चाहिए। और आप देख सकते हैं वाटर डालने के बाद आपका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो चुका है, फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लेंगे नीचे, थोड़ी सी, ज़्यादा ही नहीं करनी। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ मैं, आप ऑयल डाल लें, आप चाहे तो बटर डाल लें, जो मर्ची डालें, ठीक है। इसको हिलाते रहेंगे और अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस हद तक जो है ये हो चुका है सॉलिड, थोड़ा से ठंडा होगा और ये जम जाएगी, बहुत ही च्यूई बनेगा ये, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनेगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि तो बन जाए फिर आपको पता चलेगा किस तरह की होगी। हाँ जी, तो इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग पकाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम ही है अभी, मैंने थोड़ी देर के लिए हाई की थी जब वाटर डाला था, इन फिर मैंने लो कर दी थी और मैंने इसको किसी बर्तन में डाल के कट कर लिया अपनी शेप, अपनी मर्ज़ी की शेप में आप काटें इसको। और आपने क्या करना है, आपने डालते सार ही कट कर लेना है इसको, थोड़े से यानी कि कट्स लगा लेने, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये नहीं कटेगा ये, आप अपने दांतों से भी काटेंगे ना तो आपने अपने दांतों पर भी पे ही जो है ना जुलम करना है, क्योंकि ये इतना जो है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये इतना च्यूई हो जाएगा कि दांतों में मुँह में डालेंगे ना मुँह में घुलेगा नहीं, जिस तरह च्यूई सी जिस तरह च्युइंगम होती है या फिर यानी कि जो वैसे कई बच्चों को बहुत पसंद होती हैं च्यूई सी टॉफीज यानी कि चबाते रहते हैं जो, बिल्कुल उस तरह के, बहुत ही मज़ेदार सी है। तो जो है
मैंने इस तरह कंटेनर में डाल लिया और ऊपर से ढक्कन दे लिया। इसका मतलब ये है कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये स्टोर हो सकती है, ठीक है। इसको स्टोर कर लीजिएगा, आपको खा के भी दिखा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।